डेटा की चोरी नहीं हुई है। इसमें भी वॉलंटरी सबमिशन जो डेटा का किया उसे एनालाइज करके आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए इसमें बिना यूजर को बताया आउटसोर्स किया गया उसका डेटा थर्ड पार्टी ऐप को बिना बताए कहीं भी एक टूल यूज करके एनालाइज किया गया मात्र चाहे जैसे आप अनुराग दीक्षित कहीं से नहीं बताया गया कि आपका डेटा थर्ड पार्टी को दिया जाएगा। अनुराग सुन रहे हैं क्या? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ बताइए सर अनुराग आपको क्या लग रहा है? बात मानक जी पहली बात अंकित लाल और प्रियंका जी दोनों को बता दूं। पहली बात अंकित हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ मानक जी मुझे एक मिनट दीजिएगा। पहली बात भाई ये क्लियर ट्रैप नहीं है क्लेवर टैप है ठीक है। ये कंपनी अमेरिकन नहीं है ये इंडियन है। इसका गोरेगांव मुंबई में ऑफिस है। आनंद जैन इसके संस्थापक है बहुत माने हुए एंटरप्रेन्योर है इंडिया के। तो आप बेवजह फालतू में एलिगेशन मत लगाइए क्योंकि यहां बैठे हैं तो लगाना है तो लगा देंगे ठीक है। और दूसरी बात नाउ लेट्स टॉक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। गूगल फेसबुक ट्विटर इन सब की सोशल एपीआईज होती हैं। एपीआईज काहे के लिए कुछ सर्विसेज होती हैं चाहे लॉगिन हो एनालिटिक हो उसके लिए वो एपीआई होती है। और बहुत सारी वेबसाइट और एप्स यूज करते हैं क्योंकि उनको आसानी से वो चीजें वो प्रोसेस यूज करने को मिल जाती हैं ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं जो आप इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा नमो ऐप के ऊपर कि नमो ऐप डेटा चोरी कर रहा है क्या आप गारंटी के साथ पहले बोल सकते हैं कि नमो ऐप के लिए कोई स्पेसिफिक एपीआई लिखी गई थी किसी भी अमेरिकन भारतीय या कोई टिम्बक्टू की कंपनी के द्वारा? हवा में तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं फ्रेंच हूं मैं कैनेडियन हूं मैं जर्मन हूं मैं अंटार्कटिका से हूं मैं कुछ भी बोल सकता हूं। आप स्पेसिफिकली मुझे बताइए कौन सी एपीआई थी जिससे डेटा चोरी हुआ है और क्या वो सिर्फ नमो ऐप के लिए लिखी गई थी या वो दुनिया भर के जो ऐप वो सर्विस यूज कर रहे हैं वो भी कर रहे थे उसे यूज। प्रियंका छोटा सा कमेंट। नासिर भी जुड़ गए नासिर सलीम मेरे साथ समाजवादी पार्टी से लेकिन एक ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले प्रियंका छोटा सा कमेंट जवाब दीजिए। आ रहा हूं नरेंद्र जी ब्रेक के बाद। प्रियंका देखिए अनुराग दीक्षित जी शायद ट्विटर पे भूतनाथ के नाम से जाने जाते हैं और सब जानते हैं कि उनकी किस तरफ उनकी सोच विचारधारा है। ये नरेंद्र मोदी जी का एप्लीकेशन है। ये ऐप अगर डाउनलोड करेंगे आप एंड्रॉयड से वो आपसे क्या क्या मांग रहा है। नरेंद्र मोदी नीड्स एक्सेस टू योर आइडेंटिटी योर कॉन्टैक्ट्स योर लोकेशन योर फोटोज योर मीडिया योर फाइल्स एंड योर वाईफाई कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। और ये माने कि वॉलंटरी स्वेच्छा से दे रहा है व्यक्ति एक्सेप्ट करते हैं तभी हम ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज नाउ कीप क्वाइट सर आई डिड नॉट इंटरप्ट क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही इसलिए बताना पड़ रहा है। भूतनाथ जी ने अनुराग जी ने बहुत सारी नहीं मुझे नहीं आती है शायद आपको बहुत ज्ञान है इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर्वज्ञानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह इसलिए हमने सवाल ही उठाए हैं। नहीं आप लोग तो सर्वज्ञानी हैं आप तो शुरुआत से ही सारी लेकिन प्रियंका क्या ये सच नहीं है कांग्रेस पार्टी के ऐप को डाउनलोड करते समय भी वो एक्सेस मांगता है अकाउंट्स में कॉन्टैक्ट्स में फोटोज फाइल्स स्टोरेज कैमरा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। अभी इन लोगों ने एक सेकेंड मैं बात कंप्लीट कर लूं। अभी आरोप लगा रहे थे कि ये जो फ्रेंच रिसर्चर हैं सिक्योरिटी रिसर्चर हैं उन्होंने कहा कांग्रेस का आप खुद ही पता कर लीजिए। ट्वीट में लिखा है मैंने पढ़ लीजिए उन्होंने कहा मैं कांग्रेस ऐप को भी देखूंगा। हाँ। पर प्रॉब्लम अरे आप शांत हो जाइए ना मिस्टर भूतनाथ एक सेकेंड। बस दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ मैं तो बस यही मांग करूंगी सरकार से कि अगर किसी तरीके का हमारा डेटा विदाउट आर कॉन्सेंट विदाउट आर नॉलेज अगर कोई थर्ड पार्टी से को शेयर किया जा रहा है और बकायदा एक यूएस बेस्ड एजेंसी के साथ शेयर किया जा रहा है तो सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोदी जो अपने आप को इतना टेक सेवी मानते हैं तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि किसी तरीके की हमारी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बिल्कुल ठीक है प्रियंका छोटा सा ब्रेक लेना बिल्कुल ठीक है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री मोदी 50 लाख लोगों का डेटा अपने पर्सनल जो प्रियंका नासिर आ रहा हूं उसके बाद नहीं नरेंद्र जी मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। देखिए देश के सामने तो हमने 30 सेकंड में जवाब दे दूं प्लीज। आपको जितने राजनीतिक के सामने मानक आरोप लगाने हैं लगाइए। देश के सामने हमने किसानों के मुद्दे लगाए। अरे कौन बोल रहे सर मुझे बोलने का मौका दे दे फिर मैं आप अपने अपने मुद्दे डिस्कस कर लीजिएगा समय शायद मुझे दिया क्या जा रहा था उनको तो आज लिखी मुझे आपका जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री को ध्यान रखना चाहिए था प्रधानमंत्री को ध्यान रखना चाहिए था कर दिया कि थर्ड कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 50 मिलियन प्रोफाइल्स। बोलिए अनुराग। हाँ
मैं आपकी बात का जवाब देता हूं यहां पे। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ऐप था, नरेंद्र मोदी जी को ध्यान देना चाहिए था। हां, एटलीस्ट कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 50 लाख टीम को देना चाहिए, फेसबुक से चोरी किए। नरेंद्र मोदी जी सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है, सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं चलाते हैं। फेसबुक एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी है। चोरी हुई है कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, फेसबुक जिम्मेदार है। और मार्क जकरबर्ग ने पब्लिकली माफी मांगी उसके लिए आके, जिसके बारे में हमारा नहीं क्या चीज़ ये काम करिए। अनुराग अनुराग सीधे सीधे कहिए अनुराग, आप क्योंकि आप टेक्नोलॉजी समझते हैं, सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव हैं अनुराग, आप टेक्नोलॉजी समझते हैं ना इन सारे एप्स की। एक काम करिए, सीधे सीधे ये भरोसा दिला दीजिए, कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी ऐप पर जितने भी 50 लाख लोगों ने अपना डेटा दिया है वो कहीं नहीं गया है, कोई लीक नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं? किस कैपेसिटी में? मैं आपको ये भी भरोसा दिला सकता हूं, मैं इनफैक्ट उल्टी बात करता हूं, मैं आपको ये भी भरोसा दिला सकता हूं जो एपीआई यूज हो रही हैं वो सेम एपीआई यूज हो रही है आपके यू नो फ्लिपकार्ट में अगर वो सोशल लॉगिन है, या आपके जोमैटो में अगर सोशल लॉगिन है, जहां भी आप मैं और ये मैं हाँ, किसी भी ऐप में अगर सोशल लॉगिन है, एनालिटिक्स है, वहां सबसे आपका डेटा जा रहा है। ठीक है, क्लोजिंग में आपको तो आप ये क्लोजिंग नमो ऐप से हो रही है क्लोजिंग, मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, नमो ऐप कह रहा है बाकी ऐप से आप नमो ऐप की तुलना नहीं कर सकते, सिक्योरिटी उसकी ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ये केवल रिटॉरिक है, सारी ऐप की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। नमो ऐप केवल अकेला है जिसमें आप गेस्ट लॉगिन से भी जा सकते हैं, और ये जो डिलीट नमो ऐप का जो कैंपेन चलाया कांग्रेस ने उसके बाद से नमो ऐप के डाउनलोड और बढ़ गए हैं, उसकी रेटिंग और बढ़ गई है, ना कि कम हुई। चलिए मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल मेरे पास लास्ट एक चीज बोलनी है जल्दी से। रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जकरबर्ग को लेके आएंगे, कम से कम नीरव मोदी को तो ले आइए, बस मेरा टोटली अनरिलेटेड है, टोटली मेरा बस ये कहना था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए नरेंद्र तनेजा।